वो तीन टेबल पे कौन आदमी बैठा हुआ, वो ऑर्डर देता तो ऑर्डर ले ले, नहीं देता तो उसको वहां से उठ के जाने का ऑर्डर दे दे। जी आ जाते हैं यहाँ पे धंधा खराब करने के लिए, वैसे धंधा बंदा चल रहा है आजकल। अरे ये कौन आ गया, इतना बड़ा सा स्टूडेंट कौन सी क्लास का है? वेटर कौन है इस कैंटीन में? हाँ जी बोलो, क्या बात है? क्या चाहिए? वेटर मालिक को बुलाओ अपने। मालिक क्यों, मैं यहाँ का मुसद्दीलाल चावला है। तो वेटर को बुलाया था, आप क्यों आ गए? मैंने बताया ना मैं मुसद्दीलाल चावला हूँ, मैं कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच सकता हूँ और ऑर्डर ले सकता हूँ, आप ऑर्डर बताइए। ये बताइए कि आपकी कैंटीन में गर्मा गर्म क्या है? गर्मा गर्म पंजाबी समोसा है, राजस्थानी कचौरी है, बिहारी टिक्की है। और गर्मा गर्म क्या है? छोले भटूरे हैं, सैंडविच है, हॉट डॉग है, बर्गर है। और गर्मा गर्म क्या है? मसाला डोसा है, सादा डोसा है, उत्तपम है, इडली है। और गर्मा गर्म क्या है? गर्मा गर्म कोयले हैं भट्टी में। वेरी गुड, एक प्लेट ले गया। ओके एक प्लेट ले गया। ओके ठीक, मेरा मतलब है सब एक एक प्लेट लेके आओ। क्या मतलब? अरे जो जो गिनवाया है सब लेके आओ यार। ओके ओके अच्छा, बाकी लोग अभी आ रहे होंगे। बाकी लोग आपकी क्लास के? कौन सी क्लास? आपकी क्लास? अरे मेरी कौन सी क्लास, मेरी कोई क्लास नहीं है। हाँ वो तो देखता ही है ऐसे। हैं? अरे मतलब कहने का ये था कि आपकी क्लास जिसमें आप पढ़ते हैं ना। अरे भाई मैं नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप पढ़ाते हैं, स्टूडेंट नहीं टीचर हैं। ओके वेलकम वेलकम। अरे नहीं मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। आउटसाइडर हो? हाँ आउटसाइडर। उठ के खड़ा जा, खड़ा जा उठ के। आउटसाइड में पढ़ा नहीं तूने? लिखा हुआ आउटसाइडर्स नॉट अलाउड। यहाँ आ जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। नहीं 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 भाई, 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 भाई देखो देखो रुको भाई, मैं यहाँ लड़कियों को छेड़ नहीं आया था। तो साइड बैक। अच्छा तो फिर लड़कों को छेड़ने के लिए आया? नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मतलब मैं यहाँ किसी को छेड़ने के लिए नहीं आया था, मैं FDA से आया हूँ। अरे तुम वहाँ सामने दरवाजे से आयो? अरे दरवाजे से नहीं, मैं FDA से आया हूँ। मुसद्दीलाल FDA से? अच्छा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ अच्छा अच्छा, वही लोग जो चेक करते हैं होटलों में जाके खाना ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ मैं वही चेक करने के लिए आया हूँ। तो खड़े क्यों हैं? मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, बैठ यहाँ बैठ। जी ये जो जो कहें उस सब की एक एक प्लेट ला के देना इनको फौरन। जी अभी लाया। गड़बड़ बाप, गड़बड़। हो गया हो गया। नहीं सर अभी ये एक प्लेट गर्मा गर्म कोयले बचे हुए हैं। प्लेट में जगह नहीं है यार, पार्सल करवा दो इसको। यस तो बताइए कि कैसा लगा आपको हमारी कैंटीन का खाना? भाई अभी तो खाया है, रिपोर्ट तो तब पता चलेगी जब सुबह। वो तो आपको पता चलेगी ना, लेकिन हमें कब पता चलेगी? एक काम करो तुम परसों ऑफिस में आ जाओ और रिपोर्ट ले जाओ। ओके अच्छा अच्छा काट के। ओ, हाँ फिर मैडम। हाँ हाँ अच्छा, हाँ फिर अच्छा। नहीं नहीं एक काट रहा है कुछ भी, वो रेसिपी तो तुझसे ही लेनी थी मुझे। ओके बाय मैडम। यस मैं रिपोर्ट लेने के लिए आया था। कैसी रिपोर्ट? अरे हाथ चलाओ ना, तुम रुके क्यों? ये बात ये है कि वो AV कॉलेज की कैंटीन है ना, उसका मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आई एम कॉन्ट्रैक्टर मुसद्दीलाल चावला। तो आपके फूड इंस्पेक्टर साहब आए थे चेक करने के लिए। क्या हाँ किया उन्होंने? तो रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ। अब रिपोर्ट कहाँ? जी मतलब? मतलब ये कि अगर परसों खाना खाया है तो 3-4 दिन तो लगेंगे ना बताने में कि खाना कैसा था। 3-4 दिन लग जाते हैं? यही तो, खाना अगर अच्छा है तो खुद आके बताएंगे, अगर खराब है तो घर वाले आके बताएंगे कि वो बताने के काबिल ही नहीं रहे। तो मेरी रिपोर्ट 3 दिन रुको ना, 3 दिन के बाद पता चलेगा वो खुद आ रहा है या घर वाले। जी मैडम। एक है उसको निपटा के बाद में फोन करती हूँ मैं, चल बाय। मैडम क्या मैडम 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 क्या रेट लगाते हो? अरे मैडम मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, मेरी कैंटीन को ग्रेड नहीं मिला है। अगर मेरी कैंटीन को ग्रेड नहीं मिला है तो समझ लीजिए कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या नाम क्या है तुम्हारे कैंटीन का? AV कॉलेज की कैंटीन है। मेरे पास नहीं है फाइल, शुक्ला जी से पूछो। शुक्ला जी के पास होगी? अभी मैं कैसे बताऊँ, उनसे पूछो ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। सब्जी कट गई आपकी? हाँ इसीलिए भाव नहीं दे रही हैं आप। क्या शुक्ला जी आपका क्या है? ये मेरी कैंटीन है। मसाले कौन से? जो आप कहेंगे वो मसाले इस्तेमाल कर लूंगा, पर मेरी रिपोर्ट दे दीजिए। कौन सी रिपोर्ट? बात ये है कि AV कॉलेज में जो कैंटीन है उसका मैं वो हूँ प्रोपराइटर, समझ गए आप? तो देखिए आपके फूड इंस्पेक्टर साहब आए थे 1 हफ्ता पहले, अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। कौन पटेल? नहीं नहीं पटेल तो नहीं थे हम, शुक्ला नहीं आप, नहीं वो भाटिया थे। भाटिया? जी हाँ जी हाँ, वो मोटे मोटे वाले इंस्पेक्टर। हाँ हाँ वो चपरासी है। क्या? हाँ
पर वो तो चेक करने आए थे। अरे चेक कहाँ से करेंगे, जब नोटिस ही नहीं निकाला तो चेक कहाँ से करेंगे। अच्छा मेरा नोटिस ही नहीं निकला है। अरे भैया भाटिया को खाने पीने का बहुत शौक है, कहीं भी घुस जाते इंस्पेक्शन के नाम पे दबा के खाते हैं टाई लगा करके, समझ गए। पटेल साहब देखिए। क्या हुआ शुक्ला? अरे भाटिया इनको भी चूना लगा के चला गया, दबा के खाते थे। देखिए मैं बिना वजह टेंशन ले रहा था। अच्छा है कहाँ भाटिया वैसे? वो तो 5 दिन से नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे ये रहा भाटिया, क्या हुआ? अरे भाटिया कहाँ थे 5 दिन? अस्पताल में। वहाँ कैसे पहुँच गए यार? अरे 5 दिन पहले एवी कॉलेज की कैंटीन में फूड इंस्पेक्टर बन के चला गया था, चेक इन के बाद। यही तो है उस कैंटीन का मालिक मेरा। ए, तुम्हारा खाना खा के हमारा भाटिया बीमार पड़ गया। आपका भाटिया? नहीं नहीं, हमारे स्टाफ का भाटिया। एनीवे भाटिया बीमार हुआ है ना, तो भाई इसकी तो रिपोर्ट बनेगी। नहीं नहीं, रिपोर्ट कैसे बनेगी, वो तो नोटिस ही नहीं निकला ना। नोटिस अभी निकाल लेते हैं। पर ये तो 5 दिन पहले की बात है ना। यही तो, हम 6 दिन पहले का नोटिस निकालेंगे। ऐसा मत कीजिए वरना मेरी तो कैंटीन ही बंद हो जाएगी। होने दो, आपका खाना खाने से भाटिया बीमार हुआ है ना। पटेल साहब मेरा खाना खाने से भाटिया बीमार नहीं हुआ, बहुत सारा खाना खाने से बीमार हुआ। 40 प्लेट खा गया, 40 प्लेट डोसा इडली उत्तपम और जाने क्या क्या खा गया ये। पहले तो मुझे लगा कि आदमी का दिमाग खराब हो गया, उसके बाद मुझे लगा कुछ ना हो, पेट तो इसका जरूर खराब होगा। मेरा खाना खाने से नहीं, बहुत बहुत ज्यादा खाना खाने से इसका पेट खराब हुआ। ना, ना, हम कैसे मान ले? यही तो, हम कैसे माने? मैं कैसे मान लूं? पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? अरे भाई जहरीला खाना बनाते हो, बुलाओ पुलिस को। नहीं 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 भाई, पुलिस को मत बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को बुलाओ, वही हरियाणा भरी, बुलाओ पुलिस को। यही तो, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये बता दो कितने पैसे लोगे? 5,000। 5,000? हाँ, 2,000 मेरे इलाज के। 5,000 तो नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है भाई, एक आदमी की जान से ज्यादा है क्या? यही तो, अगर भाटिया मर जाता तो? देने हो तो दो वरना फिर प्रोसीजर शुरू होता है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये लीजिए 5,000, गिने गिनाए हैं, और ये लो तुम 2,000, गिने गिनाए। भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या हुआ भाटिया? कुछ नहीं सर, वो जरा भूख लग रही थी तो पेट में चूहे कूद रहे थे। तो जाओ किसी होटल में जाके इंस्पेक्शन करके आओ। हाँ सर, बस वही सोचा है, जा रहा हूँ बस मैं। ये सज्जन कौन है? जी मैं सज्जन नहीं हूँ, मैं मुसद्दीलाल चावला। आप सज्जन नहीं है? जी नहीं, सज्जन तो 3 गली छोड़ के रहता है, सज्जन चोपड़ा। वो सज्जन की बात नहीं कर रहे, वो तो किस सज्जन की बात कर रहे हैं? मैं उस सज्जन के अलावा तो किसी सज्जन को जानता नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ 5-5 सज्जन खड़े हैं आपके सामने, दिखते नहीं है? अच्छा क्या आप सब सज्जन हैं? हाँ हम सब सज्जन हैं। अच्छा सज्जन पांडे, सज्जन पटेल, सज्जन भाटिया, सज्जन शुक्ला, सज्जन उषा। नहीं नहीं, इनको तो सज्जन नहीं कहा जा सकता ना, ये तो उषा सज्जनी होंगी। सज्जन हमारे नाम नहीं है, हम सब सज्जन हैं। सज्जन पुरुष मतलब कि अच्छे इंसान, हम सब सज्जन हैं। अच्छा अच्छा, आप उस सज्जन की बात कर रहे हैं? हाँ। उस हिसाब से तो यहाँ पर एक ही सज्जन है। कौन? मैं। क्या? क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था मैं जाऊँ यहाँ से। तो जाओ। ये थैंक यू वेरी मच। अरे ये थैंक यू क्यों देके चला गया? उसके अलावा बचा ही क्या है उसके पास? इससे भी खाया है क्या? क्या पांडे जी आप भी, ये लीजिए आपका 1,000, हिसाब बराबर। अरे काय का बराबर, तुमने अपने साले को सेट कर रखा सुपरमैन ऑयल, तुमने जीजा मसाले, उषा जी लोगों से अपना काम करवाती रहती है, भाटिया कहीं भी जाके खाता है, मुझे भी तो कुछ चाहिए। यही तो सर, कब से हम कह रहे हैं कि आप भी साइड बाई साइड कुछ शुरू कर दीजिए ना। मैं सोच रहा हूँ अपने भतीजे को जो है कुछ एक होटल खोल दे। नहीं होटल नहीं, पागल हो गया क्या? होटल खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो किसी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। देखो कोई ठेका खाली हो तो। सर वो डिफेंस फैक्ट्री का खाली है। हाँ वही ना, जहाँ पिछले साल 6 लोग मरे थे खाना खराब खाने की वजह से। हाँ वही, दिला दे, वो ठेकेदार को निकाला है वहाँ से। अरे वो मेरा ही भतीजा था। क्या? हाँ, मक्खी मारने के लिए मक्खी मारने की दवा मक्खी के बजाय खाने पे छिड़क दी, मक्खी तो उड़ी नहीं, 6 लोग उड़ गए। तो फिर कोई दूसरा देखना पड़ेगा। हाँ सब लोगों को लेटर दो इंस्पेक्शन के लिए, कोई ना कोई तो फंसेगा। और ऊपर से वो 1,000 रुपए का खाना खा गया था, तो समझ ले कि 8,000 रुपए की रिकवरी करनी है हमने। आइडिया चावला साहब, बताओ सामान का रेट बढ़ा दे। नहीं यार, आजकल धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है, स्टूडेंट कैंटीन में आने के बजाय डिस्को में जा रहे हैं। एक काम कर, तू सामान हल्का कर दे, तेल सुपरमैन का ले आ, मसाले जीजे के। चावला साहब अगर इंस्पेक्शन हो गया तो? अरे अभी तो पैसे भर के आया हूँ, जुर्माना भर के आया हूँ, अभी कुछ दिन तक नहीं आते, और तब तक अपनी रिकवरी हो जाएगी, अभी नहीं आते बोलो। ये ठीक है। हाँ जी मुसद्दी लाल। हाँ मैं हूँ जी, बोलो। हाँ जी आपकी रजिस्ट्री है। अच्छा रजिस्ट्री आ गई, यहाँ साइन करो। ये लो जी साइन। हाँ जी ठीक है। क्या है चावला साहब? वो क्या है कि कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन के लिए ना मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसकी मंजूरी आई होगी। मुबारक हो चावला साहब। पर ये क्या है? मैंने कहा मुबारक हो। चुप कर यार, ये तो एफडीए वालों का नोटिस है। इंस्पेक्शन का?
जब भी तो जुर्माना भर के आए हूँ, ये दोबारा नोटिस कैसे आ गया? दोबारा का क्या मतलब है? दोबारा का मतलब दोबारा होता है, दोबारा का मतलब दोबारा नोटिस आया, मतलब सेकंड टाइम। पहले आया था क्या? जी नहीं। तो इंस्पेक्शन कहाँ से हुआ? अरे तो जुर्माना तो मैंने भरा है ना, बिना इंस्पेक्शन के। वो आया था ना आपका भाटिया। हमारा भाटिया? मतलब आपके स्टाफ का भाटिया आया था, खाना खा के गया है। वो तो अनऑफिशियल था। पर बीमार तो ऑफिशियली पड़ा था ना, जुर्माना भरा है मैंने उसका। अनऑफिशियल? हाँ, पर यहाँ रिकॉर्ड में नहीं है ना। तो मैं क्या करूँ? शुक्ला से बात करो। शुक्ला क्या करेगा? जेंटलमैन, व्हाट आई कैन डू, नोटिस निकल चुका है, पहले आना चाहिए था ना। नोटिस निकल चुका है, नोटिस निकलने से पहले मैं कैसे आ जाता, मुझे क्या पता कि नोटिस निकलने वाला है। पूछ लेते तो हम बता देते कि नोटिस निकल रहा है। अरे कमाल है, मुझे कोई सपना आना था क्या? इसमें गलती किसकी है? सपना ना आने में? हाँ, गलती किसकी है? उसमें तो गलती मेरी है। तो मानते हो ना? मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन नोटिस भेजा आपने, ये भी तो गलती है। फिर वही ढाक के तीन पार्ट। अरे नोटिस भेज दिया, गलती हो गई, अब सुधार रहे हैं नोटिस भेज के। तो क्यों सुधार रहे हैं? लीजिए, अब सरकारी कर्मचारी गलती सुधारे तो प्रॉब्लम, ना सुधारे तो प्रॉब्लम। आखिर चाहते क्या है आप लोग, जान देने क्या? क्या हुआ शुक्ला जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे कुछ नहीं यार, इंस्पेक्शन का नोटिस गया था, अब बिन मौसम बरसात हो रहे हैं। ओ भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं शुक्ला जी को? होने दो ना इंस्पेक्शन। जी होने दो इंस्पेक्शन, लेकिन बात गलत है। क्या भाई? बात ये है कि मतलब पैसे लेके भी काम ना करना, ये तो गलत बात है ना। पब्लिक जो है रिश्वत देने के लिए तैयार, रिश्वत दी लेकिन काम ना हुआ, ये बात गलत। गलत टाइम पे रिश्वत दिए थे। अब देना चाहिए ना, तब क्यों दिया आपने? तो क्या करता, फंस गया था मैं, भाटिया पेट पकड़ के आ आ कर रहा था। या तो रोज है आ आ करता रहता भाई। पर अब बताओ मैं क्या करूँ? देखो तुम्हें पहले खाई हुई रिश्वत का वास्ता। पूरे मुश्किल मत कीजिए पटेल साहब। ओके भाई, कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। थैंक यू। ओके काम करो, दोबारा रिश्वत दे दो। ठीक है, दोबारा। अरे इंस्पेक्शन की लिस्ट से तुम्हारा सदा के लिए नाम हटा देते हैं, सदा सिंह। लाओ 10,000। 10,000 रुपए? पहले तो 5,000 रुपए दिए थे। वो नकली रिश्वत दी थी ना, अब असली इंस्पेक्शन के लिए असली रिश्वत देनी पड़ती है। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले 8,000 रुपए का घाटा खा चुका हूँ मैं, अब मैं 18,000 रुपए का घाटा नहीं खाऊंगा। अरे महाराज दे दो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो तुम्हारा इंस्पेक्शन होगा या तो नहीं होगा। नहीं होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और हुआ तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारा खाना खराब होगा या तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो हम कर देंगे, और हुआ तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारी कैंटीन सील कर दी जाएगी या तो नहीं की जाएगी। नहीं की गई तो ठीक, मगर सील कर दी गई तो दो बातें होगी, या तो सील खुलवाने के लिए रिश्वत दोगे या तो फिर अपने आप खुल जाएगी। सरकारी सील कभी अपने आप खुली नहीं है, और रिश्वत दी तो फिर अरे यार तब दे सकते हो तो अब दे दो ना। एक क्या है, कबीरदास जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बोलो अब देते हो क्या? वही जो कल करना चाहते हो। कल क्या करना चाहता हूँ? अरे रिश्वत देना चाहती हूँ। ठीक है, रिश्वत तो मैं दे दूंगा, पर वो ऑर्डर इश्यू कौन करेगा? वो तो हमारे साथ हैं, फूड इंस्पेक्टर पांडे। तो उन्हीं को दूंगा ना रिश्वत, तुम लोगों को बेकार में क्यों दूंगा? क्या? हाँ, कहाँ मिलेगा पांडे? जी लगाते हमेशा, जब भी पांडे जी के सामने आते हैं तो जी लगाते, समझ गए? जी पांडे जी। गुड, बोलो क्या काम है? जी इंस्पेक्शन का नोटिस आया है। कैंटीन ठेकेदार हो? जी हाँ। तो नोटिस तो आएगा ही। देखिए मेरा ये कहना था कि आप तकलीफ क्यों करते हैं, मैं खाना यहीं ला के दे देता हूँ, आप यहीं उसे इंस्पेक्ट कर लीजिए। हमें काहे की तकलीफ, तकलीफ तो आपको होगी। तकलीफ मुझे तो होगी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं खाना यहीं ला देता हूँ। क्या पता किसी अच्छे होटल से खाना ला के हमें खिला दिया और कह दिया अपनी कैंटीन का, तो आप आए बिना मानेंगे नहीं? ना। तो कब आएंगे बता दीजिए। कभी भी आ जाएंगे। देखिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, बता दो भाई, मैं अच्छी तरह कैंटीन को साफ सुथरा रखूंगा, अच्छा अच्छा खाना बनवा के रखूंगा। हम सरप्राइज देंगे। कब? कभी भी। कभी भी मतलब जब तक वो नहीं आते तब तक अच्छा और साफ सुथरा खाना बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं वो लोग। तू एक काम कर पिंटो, तू सबसे पहले तो सुपरमैन तेल बंद कर दे, अच्छा वाला तेल मंगा ले, और ये जीजा मसाले बंद करके जरा घर के मसाले बना। बड़ा नुकसान होगा ना चावला साहब। क्या करूं सर, पिछले एक महीने में मेरे साले सुपरमैन के सुपरमैन तेल को 10,00,000 का नुकसान हुआ है सर। हमारे जीजा के जीजा मसाला 7,00,000। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर एक से एक बढ़िया खाना बना रहे, इंस्पेक्शन के डर से मेरे तो मजे आ रहे हैं बस। मतलब एक ही आदमी का फायदा सिर्फ, वही तो हम सबका तो नुकसान हो रहा है ना। हमें रेट शुरू करनी चाहिए सर। ओके कल से रेट शुरू। अपेंटो, अपेंटो। जी जी चावला साहब। भाई तुझे क्या लगता है ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? चावला साहब मुझे लगता है ये लोग ना हमें भूल दे रहे हैं, आएंगे वाएंगे नहीं, हमें डरा रहे हैं ये। तो डरते तो हम भी किसी से नहीं है। एक काम कर, तू अच्छा खाना बंद कर दे कल से, वो ही मंगा ले सुपरमैन का तेल और जीजा के मसाले। ठीक है चावला साहब। चावला साहब
अगर कल ही आ गए तो? जब इतने दिनों से नहीं आया तो कल क्यों आएंगे? भाई खाना होता है एकदम चाप के खा जाऊंगा। वो लड़के, हाँ जी साहब, तुम्हारा मालिक कहाँ? हाँ जी, हमारा जी साथ वाले होटल में खाना खाने गए हैं जी। क्या वो अपनी कैंटीन में नहीं खाते? नहीं, वो क्या ना जी, क्या हलवाई अपनी मिठाई थोड़ी खाता। ठीक है ठीक है, जो जो है सब एक एक प्लेट ले आओ, हम इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे यार, ये अपनी नौकरी बहुत सही है, जब भी दावत देनी हो यहाँ पहुँच जाओ इंस्पेक्शन करने, फिर मिलाओ फैमिली। यही तो, इसलिए तो आज जन्मदिन की पार्टी देने के लिए आप सबको यहाँ लेके आई ना मैं। हाँ भाई, सब लोग मिलके बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप बिल्कुल सही टाइम पे आओ चावला साहब, ये लोग आए हैं इंस्पेक्शन करने और हम लोग आज ही अपनी औकात पे आए हैं। भाई गॉड की कसम, मैंने तो वही सुपरमैन तेल और जीजा मसाले डाले। वो काम कर, अगर इन लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया ना तो समझ ले कि अपनी दुकान पे तो सील लग जाएगी जिंदगी भर के लिए। पास वाला जो होटल है ना, स्टार होटल, वहां पे जा और वहां का खाना ले आ, वही खिला देते हैं इनको। सही, ठीक रहेगा। अब जा भाई मुजद्दीलाल, तुम तो खामखा डर गए इंस्पेक्शन से, बहुत बढ़िया खाना बना दो तुम। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर इसे ए ग्रेड दे देते हैं। अरे थैंक यू सर। पर सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खाना बाजू वाले स्टार होटल जैसा है? ये तुम कैसे कह सकते हो? सर मैंने शहर के हर होटल का खाना टेस्ट किया हुआ है, सुन के बता सकता हूँ। अरे उषा जी क्यों डिस्को कर रही है? चक्कर आ रहा है। क्या होगा उषा जी को? उल्टी आ रही। ये क्या खिलाया तुमने, क्या था खाने में? नहीं नहीं, ये वो वाली उल्टी नहीं है, ये तो वो वाली उल्टी है। कौन सी वाली? ये माँ बनने वाली थी। अरे बाप, ऐसा क्या खिला दिया कि उषा जी माँ बन गई? अरे मेरा खाना कोई बाबा का प्रसाद है कि खाते ही बच्चा पैदा हो गया? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है खाने में। इसकी जांच होगी। किसकी? उषा जी की? नहीं की नहीं, तुम्हारे खाने की, खाने में गड़बड़ है। नहीं, नहीं, कहीं हम भी तो नहीं, 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 ये खाना तो मेरी कैंटीन का है नहीं, है नहीं, ये पास वाले बाजू वाले स्टार होटल का है। क्या देखा? मैंने कहा था सर, अब तो आपके ऊपर दो दो केस होंगे, एक तो एफडीए वालों को गुमराह करने का केस, दूसरा उषा जी को खाना खिलाकर माँ बनाने का केस। तब तक के लिए कैंटीन सील कर दो। देखिए ऐसा मत कीजिए पांडे जी। शुक्ला, कैंटीन सील करो। अरे शुक्ला जी, देखिए प्लीज, ऑफिस आकर रिपोर्ट ले जाना। कब? जब जांच पूरी हो जाएगी तब। ये लिए। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? अरे देखिए शुक्ला जी, जब आपने मेरी कैंटीन पर सील लगवाई थी तो मैडम माँ बनने वाली थी, तब आपने कहा था कि जांच होने के बाद आप कैंटीन की सील खुलवा दोगे। अब तो जांच हो गई है, मैडम के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, और जांच से ये भी पता चली गया होगा कि मेरे यहाँ की कैंटीन के खाने का उसमें कोई हाथ नहीं था। अब तो आप कैंटीन की सील खुलवा दीजिए। सील खोल दो, वो तो कब के खुल गई है। क्या? हाँ। मतलब कैंटीन खुल गई है? खुल नहीं गई है, लोग वहाँ खा पी रहे हैं, ये नाश्ता आया वहीं से आया है। वहीं से? पर नहीं, मैंने तो नहीं बनाया है भाई। हमने बनवाया है। किसे? तुम्हें? मुझे? मतलब अच्छा, कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट पांडे जी के भतीजे को मिल गया है क्या? हाँ, रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारा खाना खाने लायक नहीं था, क्योंकि तुम उसमें सुपरमैन जैसा तेल और जीजा मसाले जैसे मिलावटी मसाले का इस्तेमाल करते थे, उससे कभी भी आदमी मर सकता है। क्या हुआ शुक्ला? क्या हुआ, इनके भी बच्चा होने वाला हो गया? मेरे पेट में है, भागे डॉक्टर को बुलाओ। अरे सारे एक साथ ही प्रेग्नेंट हो रहे हैं। लगता है ये खाने से हुआ है। ये खाना कहाँ से है? यही तो, पता नहीं कैसा गंदा खाना है। जांच करो कहाँ से आया है ये खाना। ये तो आपके भतीजे की कैंटीन से ही आया होगा।